महासमुंद जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नंदगांव में बेशरम की झाड़ियों में एक 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम नंदगांव के बच्चों ने शव को देखा और मामले की जानकारी गांव के कोटवार को दी। कोटवार ने मामले की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली प्रभारी प्रशिशु DSO मोनिका श्याम SDO त्रिपाठी SI मिश्रा पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। महासमुंद से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। रात भर खोजे, 5 बजे छुट्टी हुई मोलेकर के, रात कन 11:30 बजे तक के मैं देखे नहीं दिखी मोलेकर कंपनी के में। कंपनी में पूछे तो 5500 रुपये एडवांस ले है मैंने दोनों साथी, वो मन बोली 5500 रुपया एडवांस ले है और 7:30 बजे तो लड़का घर जासन भैया ऐसे की निकले है कि उसके भले जानता हूँ सुबह में वो कंपनी के रहे अकेला निकले है मतलब पैसा ले है 5500 दोनों साथी। वो लड़का हेल्परी काम करा दिल्ली से तो 5500 रुपये ले है और पैसा क्लेवर ले 5 बजे छुट्टी हुए, पैसा क्लेवर ले 7:30 बजे बोला 7:30 बजे ना कंपनी से 5 बजे निकल गए इसे थोड़ा गेट के बाहर लिखना था, बाहर निकले के बाद पैसा ले। राम नानगांव थाना महासमुंद का निवासी था, पूनम पटेल और गुंडू इसका नाम था। ये भगवती राइस मिल है यही नानगांव में, यहाँ पे मजदूरी करता था। कल सुबह मजदूरी के लिए घर से निकला था, देर रात तक वापस नहीं आया तो घर वाले इसके ढूंढने का प्रयास किए किंतु मौसम खराब होने के कारण से उन लोगों ने उतने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। आज सुबह गांव के कुछ बच्चों ने उसकी लाश को तालाब के किनारे बेशरम के झुरमुट के पास देखा। कोटवार को सूचना दी गई, थाने में जैसे सूचना मिली सभी थाना की टीम वगैरह आई है, पंचनामा की कार्रवाई होकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रवाना कर दी है।